अगर आपने अभी तक भाई यूसी परचेज करके रॉयल पास नहीं लिया है तो भाई ये वाला वीडियो ना एंड तक देख लेना भाई। आप बिना प्रॉपर रॉयल पास परचेज कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो भाई ये वाला वीडियो ना एंड तक देखना, आपको ना सारे के सारे टॉपिक समझ आ जाएंगे। अब ये जो भाई अपना M14 वाला रॉयल पास है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने भाई प्रॉपर 50 RP कर लिया है, ठीक है। अब बहुत सारे बंदे हैं जिन्होंने रोल पास नहीं लिया, अब उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई उन बंदों के पास ना यूसी नहीं है, ठीक है। अब उन बंदों के पास यूसी नहीं है तो भाई वो रोल पास कैसे लेंगे, ठीक है। अब इससे भी एक और बड़ी दिक्कत है कि अब है ना बहुत जल्द ना अपना ना न्यू सीजन आने वाला है, अब न्यू सीजन आएगा तो भाई नया रॉयल पास भी आएगा, तो फिर ये M14 वाला रॉयल पास है ना ये तो चला जाएगा लेकिन M15 वाला रॉयल पास आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर है ना बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई यहाँ पर है ना अपना C3S7 वाला जो सीजन है ना वो 19 नवंबर को एंड होने वाला है, जैसा कि आप भाई यहाँ पर है ना प्रॉपर डेट देख सकते हो 19 नवंबर को सुबह 5:30 बजे भाई ये वाला जो अपना सीजन है वो एंड होने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो अपना भाई M14 वाला रॉयल पास है ना वो भाई अभी नहीं जाने वाला है, हालांकि जो अपने भाई 15-20 दिन में जो भी अपडेट आने वाली है उसके अंदर है ना भाई देखो ये वाला रॉयल पास रहेगा ही रहेगा, क्योंकि भाई BGMI वालों को पता भी है अभी तक है ना लोगों ने ना रॉयल पास तो परचेज किया है नहीं, जितना वो लोग भाई हर मतलब हर सीजन वो जितना अपना रॉयल पास परचेज करते हैं ना उतना भाई लोगों ने परचेज किए नहीं है क्योंकि लोगों के पास यूसी नहीं है। तो भाई अब जो अपना अपडेट आने वाला है उसके अंदर है ना ये देखो भाई जो अपने टायर होते हैं ना टायर, ये देखो जैसे मैं आपको मेरा टायर दिखा देता हूँ, यहाँ पर है ना भाई मैं एस मतलब सोलो का डुओ का स्क्वाड का, ठीक है। यहाँ पर है ना अभी जो अपना न्यू सीजन आएगा उसके अंदर है ना सिर्फ और सिर्फ ये टायर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे को प्लेटिनम गोल्ड के अंदर डाल देंगे, बट जो मेरा रॉयल पास है ना भाई रॉयल पास मेरा चेंज नहीं होने वाला है भाई, यही वाला रॉयल पास रहने वाला है, क्योंकि भाई बहुत सारे बंदों ने रॉयल पास परचेज नहीं किया तो भाई उनको ना वापस से मौका मिलने वाला है कि भाई आप है ना ये वाला रॉयल पास परचेज कर सकते हो, क्योंकि भाई थोड़े दिनों के अंदर है ना BGMI वाला ना अपना यूसी परचेजिंग को लेके भी ना भाई सारे इशू ना प्रॉपर ठीक कर देगा। उसके बाद अपने जब भाई सारे सोल्यूशन हो जाएंगे ना उसके बाद ही BGMI वाला M15 वाला रॉयल पास डालेगा, उससे पहले भाई M15 वाला रॉयल पास वो बिल्कुल नहीं डालने वाला है, क्योंकि भाई BGMI वालों को भी पता है इस बार है ना उनका ज़्यादा फायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये वाला जो रॉयल पास है वो लोगों ने परचेज किया ही नहीं है क्योंकि भाई लोगों के पास यूसी नहीं है। तो भाई इसीलिए ना भाई M14 वाला ही रॉयल पास रहने वाला है। अब मैं यहाँ पर है ना आपको ना जो पबजी मोबाइल पबजी KR इन सब के जो न्यू सीज़न आने वाले हैं उनकी डेट भाई मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो पबजी मोबाइल के सीज़न है ना 20 सितंबर को 5:30 बजे भाई सीज़न एंड हो जाएंगे और भाई सुबह 7:30 बजे इनका न्यू सीज़न आ जाएगा। अब देखो भाई जो पबजी है ना पबजी के अंदर है ना जो अपना यूसी परचेजिंग को लेके एंड रॉयल पास को लेके कोई भी इशू नहीं है, इसीलिए इनके ना टाइम टू टाइम सारा कुछ आता रहेगा। लेकिन भाई अपने BGMI के अंदर है ना यूसी परचेज नहीं हो रहा है इसलिए भाई बंदों ने रॉयल पास नहीं खरीदे हैं। तो भाई BGMI वालों ने भाई प्रॉपर इस चीज़ का ध्यान दिया है कि भाई बंदे भी जिन जिन बंदों को रॉयल पास परचेज करना है वो वाले बंदे जब तक भाई M14 का रॉयल पास नहीं परचेज करेंगे तब तक भाई वो ना M15 का रॉयल पास नहीं डाल सकते। यहाँ पर भाई मैंने आपको ना प्रॉपर दिखा दिया कि भाई जो अपना M14 का रॉयल पास है वो आप कैसे परचेज कर सकते हो। भाई आपको ना कुछ ही दिनों के अंदर है ना प्रॉपर अपडेट मिल जाएंगी, आप यूसी परचेज करके बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना जो रॉयल पास है वो परचेज कर सकते हो। एंड गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भाई लाइक जरूर करना, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।